अज भारत बंद के सांझे किसान मोर्चे वालों सदे तहत दीनानगर शहर के दुकानदार होर कर्मचारी अदारियां वालों पूर्ण सहयोग दिता गया। इस बंद नूं पूर्ण सहयोग दिंदे समूह अदारे बंद रहे। इस दे नाल नाल ही वख-वख किसान जथेबंदियां जिस विच कुल हिंद किसान सभा, जमहूरी किसान सभा, पूनेवाल के सांझे बैनर हेठ थाना चौंक दीनानगर विखे सुखदेव सिंह कालों, फतेह चंद अते जोगिंदरपाल सैनी की अगवाई विच धरना दिता गया अते आवाजाई रोकी गई। इस मौके वख-वख बुलारियां अपने विचार रखे जिस विच मुख तौर पर सरदार बलवीर सिंह कत्तोवाल अते सुखदेव सिंह कालों ने केंद्र सरकार कोलों तिने काले कानून रद्द करन दी अते डीजल पेट्रोल गैस की कीमतां बेतहाशा कीता वादा वापस लैण की मंग की गई। साथी जोगिंदरपाल सैनी अते फतेह चंद वालों भी सांझे तौर पर सरकार की निजीकरण की नीति तय लोगों कोलों सिक्ख्या सेहत अते होर बहुत सारिया जनतक सेवावां खोण की करड़े शब्दों में निखेधी की गई। ते होर नाल दे नाल किसान बैठ के किसानी विरोधी पास किए काले कानून रद्द करन दी मंग की गई। हाँ जी सर, की नाम है तुहाडा और की कहना चाहते हो अज्ज प्रोटेस्ट बारे? मैं गुरमीत सिंह, यही गल कहनी चाहना कि जो ये सरकार जिहड़ियां धक्का कर रही ने किसानां मजदूरां दे नाल गरीब लोगों के नाल, ये सरकारों नूं धक्के नहीं करने चाहिए क्योंकि इन्हां किसानां मजदूरां दे सिर ते सारा देश चलता ते हर बंदा रात नूं अन्न खा के सौंदा, रोटी खा के ढिड भरदा ते उह किसान मजदूर ही पैदा करदे ने तां ही हर बंदा इह खांदा। कोई भी वड्डे शहरां दे विच जमीनां नहीं हैगियां जिहड़ियां वगदियां ने जिथे फल लगदे ने, कणकां बीजियां झोने बीजे जांदे ने, सिर्फ इह पिंडां दे विच किसान ते मजदूर जिहड़े ने किसानां दी जमीन आ, मजदूर बेचारे मजदूरी करते हैं, किसान मजदूरी करते हैं तो अन्न पैदा होंदा तो अन्न नूं अपने कब्जे में लै के सारे ये गरीब लोगों का खून निचोड़ना चाहते हैं कि असी मैंने वड्डे घराने दे के असी 20 रुपये 30 रुपये लै के 50 रुपये 80 रुपये 100 रुपये बेचांगे तो गरीबों का खून निचोड़ना इन्होंने, जिदे वास्ते गुरु नानक पातशाह ने भी हाँ मारी सी। भाई लालो के घर बैठ के उन्हें प्रशादा छकिया, मलक भागो के घर बैठ के लंगर नहीं छकिया। भाई ये गरीब बंदे ने हाथी मेहनत करके पैदा किया, जो स्वाद है ये दुध है, अमृत है, तो जिन्होंने इस तरह लुट फुट करके इकट्ठा किया वो खून है, तो ये लोग जिहड़े ने खून इकट्ठा कर रहे हैं। बिल पास होया है जो केंद्र सरकार वालों बिल पास किया गया है, जे किसानों के हक के विच नहीं है, किसानों के फायदे लिए नहीं, तो किन लोगों का फायदा होगा? ये जी वड्डे घराणियां नूं इन्होंने आप अपनी जमीर वेची है, इन्होंने इन्होंने लोगों ने जितना बाने दासी जिहड़े लोग ने इन्हों लोगों ने खरीदया होया, इन्हों अरबा खरबा रुपया दिता इलैक्शन वेले, वो इन्हों पैसे पूरे करने वास्ते ये लोग जिहड़े उन्हां कोल विके होए ने ते इन्हां लोगों का गल घुट के उन्हां दा घर दर पूरा करना चाहते हैं, उन्हां लोगों ने ही इन्हां नूं पैसे दे के वोटां विच खड़े किया जताया, और वोटां असां लोगों ने पाइया ने, ये लोग साडियां वोटां लैके ते साडा गल घुट पए होए ने। बिल्कुल जी, बहुत तगड़ा पछतावा कि मतलब कि इन्हां लोगों को कभी जिंदगी में मुड़ के, मैं तो लोगों को पहला भी अपील की, स्टेज तो अपील की आ भाई गांह तो आने वाले समय के इस पार्टी का बी बीजना जिस तरह इन्होंने मतलब कि साढ़े नाल कर रहे हैं, असं इन्हों का बी खत्म करना 2022 दे विच इन्हां चीज़ों का जो फर्क पेगा जी? बिल्कुल पेगा हुणे पता लग जाएगा, जिहड़ियां चोणां पंजां स्टेट आ रही ने उहदे विच इन्हां नूं पता लग जाएगा, क्योंकि बंगाल तो दरवाज़ा इन्हां दा खुलना, बंगाल तो बंद होना, असं इन्हां दा दरवाज़ा बंद करना, इन्हां नूं अपने घरां विच वापस भेजना भी जाओ जाके आराम। मेरा नाम रिशपाल कौर है, पूरे जिवें तुसीं जाणदे हो पूरा सुप्रीम कोर्ट तों लै के सारे स्टेटां दियां अपणियां वकीलां दियां जथेबंदियां, जिला बार एसोसीएशन भी जिवें कि गुरदासपुर दी, अज जिला बार एसोसीएशन ने भी कल पास किया मतलब पास करके कि असीं अज काम नहीं करना किसानां दे स्टेट विच, किसानां दे सामने विच, इस करके पूरे लोग अज पूरे भारत बंद विच जिहड़े ने किसानां दीआं जथेबंदियां दे नाल वकीलां दीआं जिहड़ियां बार एसोसीएशन शामिल। मैडम की लगता है जो काले कानून जो मोदी सरकार वालों जो पेश किए गए हैं कितना दे बिल ने और की नुकसान होएगा ना इहदा जिहड़ा मतलब आम जनता? देखो मैं तुहानू थोड़ा जिहा दूसरी गल कहांगी, ये जिहड़ा डिजाइन आ इकनोमिक पॉलिसी का जो डिजाइन किया उस डिजाइन के किसानों खेती तो बेदखल कर कानूनों के पिछे मंशा वो किवें आ, जिमें कि तुम देखते हो अमेरिका दे इस वे 2% किसान खेती च रह गया, यूरोप दे आए दिन
एक किसान जरा खेती छड रहा खेती के काम छड रहा क्यों छड रहा कि ये जी पॉलिसी का डिजाइन है जो इस तरीके का कि जो सुधार होने ने किसानों खेती तो बेदखल करके एक दिहाड़ी मजदूर बनाने का जोड़ा मकसद है इन्होंने कानूनों के पिछे है। मैडम क्यों नहीं मतलब सरकार क्यों नहीं मान रही है? मैं होर क्यों नहीं मान रही? किसान का अड़ियल रवैया तो सारे पता है किसान का अड़ियल रवैया किसान सरकार जीडिया ने जिमें कि पिछले 45 साल तो तुम देखोगे 1970 किसान का जी कणक का रेट से वह 76 रुपये क्विंटल से पिछले 45 साल 2015 आन के किसान नू मिलता 1470 रुपया पर क्विंटल यानी कि 45 साल किसान की जी जरा मुल जी कीमत वधी वो 19% वधी और बाकी जो तुम देखोगे मुलाजम टीचरस प्रोफेसरस इन्हां दियां जिहड़ियां किन्ने प्रतिशत 100 तो उत्ते 150 तक 200 तो 280 तो 300 तक प्रतिशत जिहड़ी है इन्हां दी इजाफा होया जदों कि किसान नू की मिलिया जे उस हिसाब नाल असीं देखिए जे किसान नू भी मान लो 100% दे हिसाब नाल वधदा ते अज किसान दी कणक दा जिहड़ा रेट होणा सी 7600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब न होना सी लेकिन किसान को वो चीज़ नहीं मिल रही। अस देखते अज सुप्रीम कोर्ट के अफसर लड़ रहे हैं कि सानू कपड़े धुलाई वास्ते 20,000 रुपया मिलता वधाउणा चाहिए होर लड़ रहे हैं किसान के कपड़े नहीं धोते जाते किसान को मैडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए होर उन्होंने सब कुछ मिलता मैडिकल सुविधा मिलती बीमार होने वो मिलता रेंट का मिलता सब कुछ मिलता एक किसान ही ऐसा वा कि जिंदी आमदन के कोई वाधा करने बारे सरकार ने पिछलियां सरकार ने नहीं सोचा। मैसेज ये है कि मैसेज ये है कि किसान का जो अंदोलन आ किसान का अंदोलन ये फसलों का अंदोलन नहीं है ये नस्लों का अंदोलन आ जुड़िया क्योंकि अज तुम जो देख रहे हो पूरे देश के दे पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुस्तान के किसानों के नाल लोग जुड़ रहे हैं जुड़े हुए हैं और किसानों सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि किसान सही हकों लड़ रहे हैं। भंडारण की जड़ा है असीमित भंडारण की जी छूट आ असीमित भंडारण कौन करेगा? किसान नहीं कर सकते। वे वे कोल्ड स्टोर बेयर हाउस इन अडानी अंबानी वर्गिया के बनने ने उन्होंने दिन सहूलत वास्ते आखोगे हरियाणा के अजे कानून पास नहीं होया खट्टर सरकार ने 100 एकड़ जमीन अडानी दे दी क्यों? क्योंकि इन्हों सार पता कि असं किसानों को जमीन खोनिया ने व्डे पूंजीपतियों के हवाले कर लिया ने किसान को जोड़ा वो एक खेत मजदूर बना के छा वा ये मकसद सरकार का।